नमस्कार मित्रों, कनाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार के जो JRF होल्डर्स हैं उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उसी इंटरव्यू सीरीज में आज हमारे साथ हैं पुनीत जी। तो नमस्कार पुनीत जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी में। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, इस बार आपने JRF क्लियर किया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि पुनीत जी का जो ये सफ़र रहा है, इस परीक्षा को उत्तीर्ण उन्होंने किया है, लेकिन ये जो सफ़र रहा उनका काफ़ी मुश्किल सफ़र था। पुनीत जी को काफ़ी एक डिजीज़ से गुजरना पड़ा और उस डिजीज़ से लड़ते लड़ते ही उन्होंने एग्ज़ाम से भी लड़ा और दोनों में ही सफलता हासिल करी है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो पुनीत जी, मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, किस बैकग्राउंड से आप आए। अपना इंट्रोडक्शन आप पूरी तरीके से दीजिए। जी, मेरा नाम पुनीत चौधरी है। मैं यूपी बिजनौर का रहने वाला हूँ और मेरी जो ग्रेजुएशन हुआ है वो पीसीएम ग्रुप से हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। और मेरा ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुआ, फिर मेरा मास्टर्स 2015-17 योगा में कंप्लीट हुआ है। तो मैं मेरा मेनली योगा में आने का पर्पस यही था कि जी योगा के बेनिफिट्स वगैरह हैं, नया फील्ड है, योगा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और योगा का नौकरी के मामले में भी काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड होने वाला है। तो इसी कारण से आपका योगा में रुझान भी हाँ जी, बढ़ा। हाँ जी। और पहले से भी घर में जो एक्टिविटी होती थी उसमें भी योगा का काफ़ी प्रचलन था। घर पे भी पहले से जी काफी लोग करते थे, घर वाले करते थे, सभी लोग करते थे। थोड़ा इंटरेस्टेड इसी वजह से भी रहा मेरा इंटरेस्ट। ओके। तो पुनीत जी, आपका ये जो अटेम्प्ट रहा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका मैम, नेट JRF का? मैंने तो अटेम्प्ट एक्चुअली पहले 2017 में पहला अटेम्प्ट रिटर्न में क्लियर कर लिया था, नेट था मेरा उस समय। जी फिर उसके बाद मैंने ये एक अटेम्प्ट और दिया है जब मैं बीमारी में था, उसके बाद से मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा शायद। थर्ड अटेम्प्ट आपका ये रहा और थर्ड अटेम्प्ट में आपने JRF क्लियर जी किया। मैम, तो थोड़ा सा हम आपका जो बीमारी की तरफ है उसकी तरफ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी हमारी श्रोताओं को, तो आपसे जानना चाहूँगी उसी के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन के रूप में उभर कर आ सकते हैं पुनीत जी। जी तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको डिजीज़ जो भी थी, मतलब जो आपको प्रॉब्लम हुई, उसके बारे में आप बताइए कि कब आपको स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ जो आपने तैयारी करी जी मैम, उसके बारे में आप बताइए। जी मैम, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ये अभी मैं लास्ट टाइम यहाँ पे कोचिंग के लिए आया और लॉकडाउन के बाद ये क्लासेस बंद हो गई थी, जी तो मेरे अचानक से ही यहाँ पे लिम्फ नोड फूलना स्टार्ट हो गए और लगभग लगभग काफ़ी संख्या में, पहले एक छोटा फिर बड़ा और होते होते यहाँ से पीछे तक सब में लिम्फ नोड फूल गए। लगभग 17-18 लिम्फ नोड का एक गुच्छा सा बन गया जी कंधे तक। फिर मैं एम्स में गया, एम्स में प्रोसेस हुआ तो लगभग मेरे को दिसंबर में कंफर्म हुआ कि ये कैंसर ही है। फिर उसके पश्चात मेरा कुछ दिन लॉकडाउन की वजह से एम्स में कीमो नहीं हुआ तो मेरा शिफ्ट हुआ जोलीग्रांट, वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और लगभग 15 कीमो लिए मैंने और 25 के समथिंग रेडियोथेरेपी हुई मेरी। तब भी अभी भी ट्रीटमेंट कंटिन्यू है लेकिन कैंसर जैसा रोग जो है वो निकल गया। निकल गया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई पुनीत जी कि जी मैम, आप इतनी बड़ी बीमारी से लड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने हार नहीं मानी और आप परीक्षा में निरंतर अपनी प्रयास करते रहे परीक्षा के लिए। तो इस समय पर देखिए, कैंसर एक काफ़ी बड़ी बीमारी है, सभी लोग जानते हैं, और उस बीमारी के साथ साथ लड़ना, क्योंकि उसमें काफ़ी दिक्कतें होती है, कीमोथेरेपीज होती हैं, इन सब के बावजूद जो है पुनीत जी ने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, अपना प्रयास करते रहे, फल की चिंता ना करते हुए उन्होंने सिर्फ प्रयास किया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एक ये उम्मीद होती है कि नहीं, एक जीने की इच्छा को लेकर आपने आगे की तैयारी करी। जी मैम, तो उसी तैयारी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने मैनेज करा अपनी पढ़ाई को। मैम जैसे मेरी रेडियोथेरेपी वगैरह इस ईयर जनवरी में ख़त्म हुआ मेरा, मतलब दिसंबर में कीमोथेरेपी ख़त्म हुई और जनवरी फरवरी लास्ट तक मेरा रेडिएशन थेरेपी ख़त्म हुई। मार्च में मेरा स्टार्ट हुआ, फॉर्म निकले हुए थे यूजीसी नेट के। जैसा जी कि मैंने पहले ही बताया, लॉकडाउन से पहले बीमारी के, इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया था कोचिंग के लिए, आ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये था कि मेरे को वो करना है। तो मैंने खाली समय में, जैसे कीमो लगने के बाद कुछ दिन के बाद आराम होता था तो थोड़ा बहुत योगा प्रैक्टिस भी करता था, उसमें योगा के नॉलेज थी तो उसमें भी बेनिफिट मिला, थोड़ा अपनी सेल्फ स्टडी की, थोड़ा
थोड़ा योगा में और प्रैक्टिकल की कैंसर से ही, तो उसका इफेक्ट भी काफ़ी पड़ा घर पे। और मैंने मार्च से स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई करना, जी और उसके बाद ये हमारा अगस्त में शायद पेपर हुआ है लास्ट में, 21 अगस्त को, हाँ जी तभी तक मैंने पढ़ाई की है एकेडमी के थ्रू ही। जी और पहले से मुझे पता था एकेडमी का, मैं जी जी एकेडमी पे आया हुआ था, गुरुजी से भी मिला हुआ था, तो इसमें भी काफ़ी मदद मिली मेरे को, अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो एकेडमी में आपने दोनों एग्जाम का किया था या? मैंने ओनली सेकंड पेपर लिया था एक्चुअली, मैंने जी फर्स्ट पेपर नहीं लिया, फर्स्ट पेपर पहले से कह सकता हूँ कि मजबूत था। हाँ, क्योंकि आपका पीसीएम बैकग्राउंड हाँ, था। पीसीएम बैकग्राउंड था, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी एग्जाम मेरे क्लियर वगैरह थे, यूपी जी जी पुलिस, एसएससी वगैरह ये सब थे। इसी के मेडिकल वगैरह में मेरा एक्चुअली ऐसा भी हुआ कि मैंने यूपी पुलिस का भी एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया, और मेडिकल के समय पे ही मेरे को बीमारी हुई, तो जी जी जिस वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो सेकंड पेपर का आपने यहाँ से हाँ एकेडमी जी, से हाँ आपने पढ़ा, जी, तो उसके अलावा आपने कोई और रिसोर्सेस से भी पढ़ा कि एकेडमी के ही नहीं नोट से बस आपका हो गया एक्चुअली था? पहले मैंने सर से ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला कि मैं जी आ नहीं सकता था, तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती थी, तो जी मैंने लगभग 2 महीना ऑनलाइन क्लासेस ली। और ऑनलाइन क्लासेस में ही प्रॉपर मैं क्लास के टाइम पे नहीं रहता था, लेकिन गुरुजी की जो एप्लीकेशन है उसने काफ़ी मदद की मेरी। उसमें जो गुरुजी की रिकॉर्डेड वीडियो हैं और उसमें जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही। जो भी समझ में ना आए, गुरुजी खुद हेल्पिंग नेचर थे, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेते थे कुछ भी समस्या होती थी तो। लेकिन वैसे काफ़ी हद तक मेरी जो मदद की है तैयारी में, गुरुजी की एप्लीकेशन की वीडियोज़ ने काफ़ी मदद की है। जो रिकॉर्डेड हाँ, वीडियोस जो होती रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती हैं, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप उसी टॉपिक के डायरेक्ट वीडियो खोल के समझ सकते हैं। जी हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे श्रोताओं के लिए हो सकती है जो अभी वीडियो देख रहे हैं, कि एकेडमी का एप्लीकेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइडेड किया गया है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर आप लाइव सेशन नहीं ले सकते तो रिकॉर्डेड सेशंस आप ज़रूर देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि पुनीत जी ने तैयारी करी, इतनी तकलीफ होने के बाद भी उनको जो रिकॉर्डेड सेशंस थे उनकी हेल्प से उन्होंने पढ़ाई भी करी। जी मैम, तो आपकी जो 10 यूनिट्स थी, मतलब आपने कहा जी कि फर्स्ट पेपर तो आप खुद से तैयारी कर जी रहे मैम, थे, तो खुद से तैयारी करने में आपका एफर्ट ज़्यादा लगता है, जी मैम, क्योंकि एक तो होता है कि आप किसी से हेल्प ले के पढ़ रहे हैं, कहीं कोई रिसोर्सेज आपके पास है तो ईजी रहता है कि नोट्स हैं, जी सब मैम, कुछ है, लेकिन फर्स्ट पेपर की आपने खुद से तैयारी करी और सेकेंड पेपर आप यहाँ से पढ़ रहे जी थे, मैम, तो ये पूरी की पूरी जो 20 यूनिट्स थी जी उनको आपने किस तरीके से मैनेज किया? मैम, मैंने फर्स्ट पेपर में लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर होते थे उन सबको मैंने सॉल्व किया खुद से, कुछ गुरुजी से मदद ली कि मैं कहाँ से इनका रिसोर्सेज कर सकता हूँ, तो गुरुजी ने फर्स्ट पेपर के भी मेरे को प्रोवाइड करा दिए थे क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में, अच्छा जी उनको मैंने प्रिंट आउट करके अपना सेल्फ स्टडी की उन पे, क्योंकि एक्चुअली मेरा रिसर्च बैकग्राउंड भी ठीक था और मैथ भी वैसे भी ठीक था, तो मैंने मदद करने के लिए वैसे जैसे कभी कभी टफ पड़ता है कुछ तो गुरुजी से पूछता था, वो अच्छे से बता देते थे, क्लियर कर देते थे फर्स्ट पेपर का भी। सेकंड पेपर तो मैं ले ही रहा था गुरुजी से। जी और जहाँ तक सेकंड पेपर का सवाल है, मेरा जैसे अपना घर का बैकग्राउंड किसान है, खेती का है, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता, जैसे क्लासेस होती थी 11 से 2, तो मैं इवनिंग में अपना खाना खाने के बाद अपना 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासेस देखी अपनी जो आपने कराई, फिर उसके बाद एक बार रिवीजन किया बुक से, अकेडमी की बुक से, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज उसी टॉपिक की अलग अलग बनी हुई है, उनके क्वेश्चन आंसर सीरीज दी, जो क्वेश्चन गलत हुए उनको एक बार फिर से चेक कर लिया, बस लास्ट में यही काम मॉर्निंग में कर लिया मेरे को। जैसे दिन में क्लास नहीं ली तो दिन में खाली समय में जैसे आराम कर रहा हूँ उस टाइम पे वीडियो चलाया और उसको देखने लगा। मतलब जो भी आपको खाली समय मिलता था उसका आपने प्रॉपर यूज किया है। हाँ मैम, एक्चुअली ऐसा भी होता था जैसे मैं टहलने भी गया तो कान में एयरफोन लगाया और अपना वीडियो चलाई, उसको सुनता रहा, रनिंग की, एक्सरसाइज की, एटलीस्ट योगा करते हुए मॉर्निंग में उस पे भी मैंने वीडियो ही देखी है, वीडियोस देखी। और इसका इफेक्ट बहुत तकड़ा पड़ता है आपके उसमें माइंड पे। एक तो ऐसी चीज़ होता है कि आप देख के जल्दी समझ सीख लेते हो, जी बिल्कुल उसमें मदद मिलती है काफ़ी। फिर गुरु जी का है नेचर ऐसा है कि कहीं आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तभी आप मैसेज कर दो, तुरंत उसका आंसर मिलना ही मिलना है आपको। जी तो मतलब आपने पूरा जो खाली समय था उसका अच्छे से प्रयोग किया। जी मैम, तो आपने लगभग कितने मंथ
तक आपने तैयारी करी? मतलब आप स्टार्टिंग से ही कर रहे थे या जब ऐसा आया कि एग्जाम का आपने फॉर्म भरा जैसे तब से? रूटीन में तो मेरे कंटिन्यूअस था पढ़ाई का। एक्चुअली उससे पहले ही मैंने फार्मा में भी जॉब की है, दो साल पहले फार्मा में भी जॉब की है, फिर उसके बाद ही बीमार हुआ मैं। तो मेरा कंटिन्यूअस ये था कि अपने आसन प्राणायाम तो डेली जो था वो करने थे, बल्कि जो मेरा खाली समय रहता था जैसे योग दर्शन हुआ या ये अदर दर्शन हुआ, इन सबको मैं पढ़ लेता था। बुक्स हैं मेरे पास घर पे, तो मैं इनमें पढ़ाई रखता था, क्योंकि कीमो के वजह से कोई काम तो करता नहीं था, खाली पड़े हुए समय भी नहीं बेकार होता था, तो बस वही देखता रहता था, वीडियो बुक्स, इन्हीं की तैयारी की है मैंने। अधिकतर 3 महीने, लास्ट के 3 महीने मैं प्रॉपर, मैं कहूँ जैसे मार्च में मैं अपने आप को फील किया कि मैं कुछ ठीक हूँ, मार्च के बाद अगस्त तक मैंने प्रॉपर ही 3 महीने का जो खाली रेस्ट का समय था वो पढ़ाई को दिया है, और वो भी एप्लीकेशन के थ्रू। वीडियो देखने में जितना अच्छा लगता था और जितनी जल्दी कवर होता था वो, उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है पुनीत जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने 3 महीने जो लास्ट के थे उस टाइम पे आपने बहुत अच्छे से तैयारी आपने की, तो आप जो याद करने का आपका तरीका था, मतलब आप सिर्फ वीडियो से देख के ही आपने पढ़ा, हाँ मैम, मतलब उसी के थ्रू आप याद करते रहे, और सबसे ज़्यादा आपने किस चीज़ पर ध्यान दिया कि वीडियो देख देख के आपने रिवीजन किया या फिर आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह इनको भी किया? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, मैं पहले जैसे आज मेरी लाइव क्लास 10-11 से 2 चल रही है, मैंने वो क्लास ली, और कभी कभी ऐसा होता था छूट भी जाती थी, तो मैं इवनिंग में एक बार उसको फर्स्ट सीरीज में करके देख लेता था, फिर उसके तुरंत बाद मैं उसको एक बार बुक में रिवाइज करता था, बुक में भी लिखता रहता था हाथ के हाथ कि कहाँ छूटा कहाँ ऐड हुआ, वो सब लिखने के बाद बुक पढ़ा, फिर उसके बाद एक पूरी प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी उसकी, फिर उसके में जो गलतियाँ होती हैं उन क्वेश्चनों को देखने के लिए फिर से दोबारा मैंने उनको बुक से रिवाइज किया, फिर एक बार यही प्रोसेस सेम मैं शाम को करता था, एक बार रिवीजन करता था मोटा मोटा जल्दी जल्दी से, क्योंकि एक बार आप पढ़ लो किसी चीज़ को तो रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, और डेली का जितना पढ़ाते थे उसको रिवाइज किया, फिर टेस्ट सीरीज दी, बस इतना ही करता था। तो योग का ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जी आपके योग के जिनको पढ़ के आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, मतलब आपके जीवन में भी आपको लगा कि इनकी वजह से काफ़ी तक सुधार आपके लाइफ में हुआ है? सबसे ज़्यादा मेरे को, जो मैं अपने बीमारी के समय की बात बताऊं, तो मेरे को सबसे ज़्यादा मदद मिली गीता से। गीता जी एक पर्टिकुलर सब कुछ है उसके अंदर, आपको नई जीवन जीने की राह, एक पॉजिटिविटी ऐसी देता है कि आपको निगेटिव होने ही नहीं देती गीता। बिल्कुल। गीता और योग दर्शन काफ़ी मददगार रहे मेरे, मैंने योग भी काफ़ी किया और वैसे अष्टांगा वगैरह भी करता था, और जबकि आयुर्वेद ने भी मेरा काफ़ी हेल्प की है, आयुर्वेद की जैसे एलोवेरा गिलोय वगैरह ये सब घर पे ही उपलब्ध है, इन्हीं का देसी जूस बनाया और इन्हीं का सिरप वगैरह पीता रहा। तो मतलब योग प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी आपने अपने जीवन में जी उतारा, जी जी और यही कारण है कि आज पुनीत जी हमारे साथ, एक मैं बताऊं कि मतलब एक इतनी हिम्मत लेके हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने सफलता हासिल करी है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली बात है, और उन लोगों के लिए भी एक अच्छा जवाब है जो छोटी छोटी परेशानियों को जी एक्सक्यूजेस बना के लेकर सामने आते हैं कि इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए, इस वजह से हमारा रह गया। तो पुनीत जी, आप कोई ऐसा मैसेज हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए उन्हें? हाँ मैम, मैं बस एक ही बात मेनली मेंशन करूँगा कि अगर आपको कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट में ये निकाल देना है कि मेरे से नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ की, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार फेल हो गए, दो बार फेल हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ सीख के ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज गलत हो, कल बिल्कुल सही हो जाओगे। तो जैसे कि आपको 2017 के बाद आपको जी लॉकडाउन में ये सब पता चला था कि जी कैंसर जैसी बीमारी आपको है, जी तो उसके बाद आपके मतलब ऑब्वियसली ओवरकम करने में आपको टाइम लगा होगा, थोड़ा सा आप हताश भी हुए होंगे कि इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, हाँ मैं जो मैम, भी है। एक्चुअली जैसे मेरा ट्रीटमेंट रिपोर्ट वगैरह एम्स में हुई है ऋषिकेश में, तो जब मेरा सैंपल यहाँ से काट के लिया जा रहा था तो डॉक्टर ने पहले ही बोला मेरे से, एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में सिंगल ही होते हैं, तो मेरे से ही बोला कि ये कैंसर है और ये आपकी स्टेज है और ये टाइप का है, फिर भी रिपोर्ट आने दो, ट्रीटमेंट हो सकता है, निराश मत होना। तो कौन सा स्टेज था उस टाइम आपका? मेरा था लिम्फोमा बल्की टाइप 3rd स्टेज,
और तो उसके बाद मेरे को बताया उन्होंने, रिपोर्ट एजिट आई, फिर डायरेक्ट कीमो लगी। पहली कीमो मेरे को डॉक्टर ने पहले एडमिट नहीं किया था, जोलीग्रांट बोल दिया कि उसके लिए चांस है, 5 से 10% चांस है, आप देखो। तो मैंने उनको यही बोला था, सर अगर पहली कीमो के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं दूसरी कीमो नहीं लेने का, पहली आप लगाइए। पता नहीं क्या हुआ, पहली कीमो में ही जो उसका 80% बाहर था वो अंदर चला गया, जो गंदगी थी वो सब निकल के बाहर आ गई 15 दिन के अंदर ही। सेकेंड कीमो में और आधा आधा हुआ, 6 कीमो के बाद बिल्कुल ख़त्म, नॉर्मल। उसके बाद डॉक्टर ने और दी मेरे को 9 कीमो। लेकिन अब डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि पहले पेशेंट आप थे कि इतनी जल्दी रिकवर कर गए, आपने क्या किया? तो उनके लिए मेरा एक ही आंसर होता था कि योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी करना है आपकी जो विल पावर, जो कॉन्फिडेंस आता है वो योगा ही दे सकता है, ये बहुत ज़रूरी है और हर आने वाले टाइम में हर बंदे को ये करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो योग ने पूरी तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस जी लाए। जी जी आपकी ये जो सफ़र रहा मुश्किलों से भरा हुआ था और मेहनत आपने नहीं छोड़ी बिल्कुल भी, तो इसके पीछे मतलब जो आपकी सफलता है उसके पीछे का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे, किनका धन्यवाद आप करना चाहेंगे? मैम, सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर हैं, जी इन दोनों ने काफ़ी मदद की है मेरी, और ख़ासकर पापा जी ने, क्योंकि सबसे मेनली मैं, जैसे मेरे को पता चला कि ये बीमारी है तो सबसे पहले कॉल मैंने पापा जी को किया और उनसे ये भी बोला कि जो भी है ठीक हो जाएगा, आप प्रॉब्लम ना ले। तो उन्होंने मेरे को बहुत एक तरीके से क्या बोलते हैं, फील कराया कि हाँ भाई हम हैं तेरे साथ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और मदद भी काफ़ी की, सारी कीमो वगैरह सब कुछ उन्होंने ही किया। वैसे तो वह किसान आदमी है लेकिन हिम्मत बहुत दी मेरे को, जी बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, और उन्हीं का एक रीज़न है कि मैं आज JRF भी हो पाया, बहुत मदद करते हैं। जी पुनीत जी, तो मतलब आप परिवार का होना साथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो अगर परिवार हमारा साथ दे रहा है तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। तो यही इसी हिम्मत के साथ, एक परिवार की हिम्मत को लेकर आज पुनीत जी हमारे साथ बैठे हैं, JRF इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम से उन्होंने एक एग्ज़ाम को ही क्लियर नहीं किया, उन्होंने लाइफ के सबसे बड़े एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी भी एकेडमी से आपको जो भी आगे फ्यूचर में आवश्यकता होती है किसी भी मदद की, तो अक्कनाद एकेडमी आपके साथ है पुनीत जी जी। मैम, धन्यवाद मैम।